नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव विश्व भारती शांति निकेतन से आप सभी शिक्षार्थियों का NIOS के इस स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। शिक्षार्थियों, आज की हमारी चर्चा का विषय है अधिगम केंद्रित प्रणाली में आकलन। शिक्षार्थियों, यहां हम दो बातें करने जा रहे हैं जिसमें एक पैराडाइम शिफ्ट हमने देखा है पिछले बीते कुछ वर्षों में, जिसमें पहली बात है अधिगम केंद्रित प्रणाली। शिक्षार्थियों, आपको यह पता होगा कि अधिगम केंद्रित प्रणाली से पूर्व हम शिक्षक केंद्रित प्रणाली, तत्पश्चात शिक्षार्थी केंद्रित प्रणाली और फिर अधिगम केंद्रित प्रणाली की तरफ पहुंचे हैं। शिक्षक केंद्रित प्रणाली में शिक्षक केंद्र में होता था, शिक्षार्थी केंद्रित प्रणाली में शिक्षार्थी केंद्र में होता था और फिर अधिगम केंद्रित प्रणाली में अधिगम केंद्र में है। और चूंकि अधिगम केंद्र में है, अतः यहाँ पर शिक्षक और छात्र दोनों की भूमिका को स्वीकारा जाता है और वह सारे कदम जो अधिगम को बढ़ाते हैं, अधिगम को मजबूत करते हैं, वे सारे कदम यहाँ पर स्वीकार्य होते हैं। शिक्षार्थियों, आकलन की आजकल हम बात कर रहे हैं और आकलन पर आने से पहले हम मूल्यांकन की बात किया करते थे। मूल्यांकन चूंकि निर्णयात्मक होता था, प्रदा आधारित यानी प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता था, आउटपुट ओरिएंटेड होता था, अतः वहाँ पर एक नकारात्मकता थी, एक निर्णयात्मक भाव था। आकलन में यह निर्णयात्मक भाव नहीं है, क्योंकि जो आकलन है यह आकलन प्रक्रिया पर आधारित है और यह रचनात्मक है और यह कहीं ना कहीं एक मजबूत प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, ताकि वह प्रतिपुष्टि के आधार पर अधिगम को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। शिक्षार्थियों, अधिगम केंद्रित प्रणाली का लक्ष्य अधिगम की प्रक्रिया पर होता है। जैसे कि हमने चर्चा की, यहाँ पर शिक्षक छात्र इन बातों पर जोर ना दे करके हम अधिगम पर बल देते हैं। क्योंकि अधिगम पर बल दे रहे हैं, इस वजह से शिक्षक तो अपने आप ही स्वतः ही केंद्र में आ जाता है और शिक्षक की भूमिका भी यहाँ पर स्वीकार्य होती है। शिक्षार्थियों, अधिगम केंद्रित प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य है वह शिक्षार्थी के अधिगम से संबद्ध होता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यह मूल रूप से शिक्षार्थी केंद्रित ही है, लेकिन इस प्रणाली में शिक्षक को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि वह भी कक्षा कक्ष की अधिगम परिस्थितियों का एक महत्वपूर्ण अंग है। और जैसे कि मैंने पहले चर्चा की थी, अधिगम केंद्रित प्रणाली का जो केंद्र है, जो बल है, वह अधिगम पर है। अधिगम पर होने के कारण शिक्षार्थी तो केंद्र में है ही, शिक्षक को भी हम कहीं ना कहीं कक्षा कक्ष का एक महत्वपूर्ण अंग होने के नाते उसको स्वीकार करते हैं। शिक्षार्थियों, शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि अधिगम केंद्रित प्रणाली शिक्षार्थी की दक्षता एवं संपूर्ण जीवन काल के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर अधिगम पर बल है, इसलिए जो शिक्षार्थी की जो दक्षता है, वह दक्षता उसके संपूर्ण जीवन काल में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वेइमर 2002 में उन्होंने कुछ 5 बिंदु सुझाए थे जो प्रक्रिया को अधिगम केंद्रित प्रणाली बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। वह 5 बिंदु हैं: विषय वस्तु की भूमिका, शिक्षक की भूमिका, अधिगम के दायित्व, मूल्यांकन के उद्देश्य एवं प्रक्रिया और शक्ति का संतुलन। अधिगम केंद्रित प्रणाली के लिए विषय वस्तु की भी भूमिका है, शिक्षक की भी भूमिका है, अधिगम के लिए दायित्व हैं जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों शामिल हैं, और मूल्यांकन उद्देश्य है और प्रक्रियात्मक है, और यहाँ पर शक्ति का संतुलन है, संतुलन भी है। शिक्षार्थियों, अधिगम एक वृहत संकल्पना है जिसमें शिक्षार्थी, शिक्षक तथा अधिगम प्रक्रिया शामिल है। बीते समय में अधिगम अदा आधारित होती थी, जिसका ध्यान पाठ्यक्रम तथा विषय वस्तु पर हुआ करता था, किंतु आज अधिगम प्रदा आधारित है और इस तरह से अब यह पेडागॉगी से एंड्रागॉगी की तरफ परिवर्तित होती हुई दिखाई पड़ती है। शिक्षार्थियों, जब हम शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली की बात करते थे तो वहाँ पर हमारा जो ध्यान था, हमारा जो बल था, वह इनपुट आधारित, अदा आधारित होता था। हमारा सारा ध्यान इनपुट्स पर रहता था, अदाओं पर रहता था, लेकिन धीरे धीरे अब हमारा जो ध्यान है वह प्रदा आधारित है, आउटपुट ओरिएंटेड हम हो चुके हैं। और इसी वजह से अधिगम केंद्रित प्रणाली का जो बल है वह प्रदा आधारित है, कि हमारा अधिगम का स्वरूप क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात जो परिणाम है वह परिणाम क्या है। अधिगम के बारे में जो एक और परिवर्तन है वह यह है कि अब जो अधिगम है वह अर्जित से निर्मित की तरफ रूपांतरित हो चुका है। यानी पहले जब हम ज्ञान का अर्जन किया करते थे, अब हम ज्ञान का अर्जन नहीं, ज्ञान का निर्माण करेंगे। अतः यह जो अर्जन से निर्माण की तरफ जो एक रूपांतरण हुआ है, इस रूपांतरण के पश्चात
आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। शिक्षार्थियों, अधिगमकर्ता के साथ साथ उसके परिवेश, उसके सामाजिक संदर्भ, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाषाई आधार पर उसे ज्ञान के निर्माण में उसकी सहभागिता की मांग करता है। यह एक बड़ा बदलाव है जो अधिगम की प्रक्रिया को समग्रता के साथ समझने का अवसर देता है और आकलन के लिए संदर्भ प्रदान करता है। शिक्षार्थियों, यह बात हमें समझनी चाहिए, यह बात हमें समझ में आनी चाहिए कि जो आकलन है यह इसी संदर्भ में मूल्यांकन से अलग है, कि आकलन के लिए संदर्भ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम आकलन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो संदर्भ है उस संदर्भ की बहुत बड़ी भूमिका है। बच्चे का जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जिस सामाजिक परिवेश से वह बच्चा आ रहा है, जिस भाषा या आधार के साथ वह बच्चा आ रहा है, इन सारी बातों का आकलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आकलन जो है वो प्रक्रिया आधारित है, आकलन जो है रचनात्मक है, आकलन निर्णयात्मक नहीं है। अतः आकलन के दौरान बच्चे को उसके पूरे संदर्भ के साथ हम देखने की कोशिश करते हैं। शिक्षार्थी जो केंद्रित प्रणाली थी उसका अर्थ है शिक्षार्थियों के अनुभवों, उनके स्वरों, उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना, जबकि जो अधिगम केंद्रित प्रणाली है उसमें उपर्युक्त अनुभवों के साथ साथ, जो हमने शिक्षार्थी केंद्रित प्रणाली के अनुभव थे उन अनुभवों के साथ साथ इसमें उन सभी उपायों को सम्मिलित किए जा सकने की संभावना है जिससे अधिगम को सुनिश्चित किया जा सके, और इस प्रकार आकलन में इस अधिगम के परिमाण को देखा जाना ही उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षार्थियों, शिक्षक केंद्रित प्रणाली तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। शिक्षार्थी केंद्रित प्रणाली जो होती थी उसका जो अर्थ था वो यही था कि जो अनुभव है शिक्षार्थी के, उन अनुभवों को, उनका जो उनकी जो अपनी वॉइस है, उनके जो अपने स्वर हैं, उनकी जो अपनी आवाज़ है, उनकी उस आवाज़ को और उनकी जो सक्रिय सहभागिता है उसको प्राथमिकता देना, ये उसका केंद्र बिंदु था। तो जो अधिगम केंद्रित प्रणाली है उस अधिगम केंद्रित प्रणाली में ये सारे जो अनुभव हैं इनके साथ साथ अन्य वो सारे उपाय सम्मिलित किए जा सकते हैं जिनसे हम अधिगम को सुनिश्चित कर सकें, और फिर आकलन के माध्यम से, चूंकि आकलन में हम बच्चे के संदर्भ को स्वीकार करते हैं, आकलन के माध्यम से हम इस अधिगम के परिमाण को देखें और यह परिमाण को देखा जाना ही उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षार्थी ज्ञान का सृजन करे इसके लिए आवश्यकता है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें शिक्षक को सक्षम बनाएं ताकि वह शिक्षार्थी की प्रकृति तथा वातावरण के अनुरूप ज्ञान के सृजन के लिए कक्षीय अनुभव निर्मित कर सके, और जब हम यह कर सकेंगे तो आकलन को भी इस उद्देश्य की पूर्ति करने वाला होना चाहिए, क्योंकि आकलन का स्वरूप उपचारात्मक होता है ना कि मूल्यांकन की तरह निर्णयात्मक। शिक्षार्थियों, गणित अधिगम के का जो आकलन है, गणित अधिगम का जो आकलन है, इसके कुछ सिद्धांत हैं। जैसे पहला सिद्धांत है पाठ्य वस्तु का सिद्धांत। इस सिद्धांत का तात्पर्य है जो आकलन हम कर रहे हैं वह आकलन प्रतिबिंबित होना चाहिए, आकलन संदर्भ के अंदर ही होना चाहिए, आकलन बाहरी दुनिया से नहीं आना चाहिए, आकलन प्रतिबिंबित होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है अधिगम का सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत से तात्पर्य है आकलन गणित के अधिगम को बढ़ाने वाला होना चाहिए, आकलन निर्णयात्मक ना हो, आकलन बस जो परिणाम आया उस परिणाम को जानने भर की कोशिश ना हो, बल्कि आकलन कुछ ऐसा हो जिससे अधिगम को बढ़ाने में मदद मिले, क्योंकि यह रचनात्मक है, उपचारात्मक है, अतः इन उपचारात्मक और रचनात्मक होने के कारण आकलन ऐसा हो जिससे हम गणित में अधिगम को बढ़ा सकें। इसके अलावा जो अगला सिद्धांत है वह है निष्पक्षता का सिद्धांत, अर्थात बिना किसी भेदभाव के हम आकलन करेंगे। आकलन करते समय किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से, किसी भी तरह के भेदभाव से हम अपने आप को दूर रखेंगे। शिक्षार्थियों, हम ये देखें कि गणित अधिगम में आकलन की प्रकृति क्या है। यह प्रकृति देखने की कोशिश अगर हम करें तो देखते हैं कि गणित अधिगम में क्रमबद्धता की उपयुक्तता होती है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था गणित में भय क्यों लगता है, क्योंकि गणित की संचयी प्रवृत्ति है। संचयी प्रवृत्ति क्यों है? अगर आपको दशमलव कठिन लगता है तो प्रतिशत कठिन लगेगा, प्रतिशत कठिन लगता है तो आपको बीजगणित कठिन लगेगी, और यह संचयी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं गणित का एक स्वरूप है। इसीलिए गणित के अधिगम में क्रमबद्धता की एक उपयुक्तता है। आकलन करते समय हमको इस क्रमबद्धता के बारे में सोचना होगा, इस क्रमबद्धता के बारे में हमारा ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा जो अगली प्रकृति है वह अनुभवात्मक और संदर्भात्मक। शिक्षार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि जब हम आकलन करते हैं तो यह अनुभव आधारित हो और एक संदर्भ में हो, संदर्भात्मक हो। संदर्भ से बाहर हम आकलन में नहीं जा सकते, क्योंकि यह रचनात्मक है, आकलन रचनात्मक है, आकलन उपचारात्मक है, आकलन प्रक्रिया आधारित है। इसके अलावा
जो प्रकृति है, हम कह सकते हैं कि मौखिक से प्रदर्शन की ओर हम ले जाएं इसमें, और क्रियाकलाप से लिखित की ओर हम अपने अधिगम को ले जाएं। शिक्षार्थियों, अधिगम केंद्रित प्रणाली में जो आकलन है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि इसमें अधिगम पर बल दिया जाता है। दूसरी विशेषता है कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन किया जाता है, ना कि अंत में। जब हमारी अधिगम प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया के साथ ही साथ उसके समानांतर आकलन भी चल रहा है, मूल्यांकन की तरह प्रक्रिया के अंत में हम इसमें नहीं करते हैं। तीसरी जिसकी विशेषता है वह है प्राकृतिक और संदर्भित स्थितियों पर बल होता है। लचीलापन है इसमें, चूंकि संदर्भ को स्वीकार कर रहे हैं, अनुभव को स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए लचीलापन है इसमें। इसके साथ ही साथ सहभागिता, सामूहिकता, समस्या समाधान की योग्यता पर भी हमारा यहाँ पर बल है। छात्र किस तरह से सहभागिता कर रहा है, समूह में वह किस तरह से व्यवहार कर रहा है, समस्या समाधान में वह किस तरह से अपनी एक इनिशिएटिव ले रहा है, इन सारी बातों को उस पूरे संदर्भ में देखते हुए ही हम आकलन करते हैं। शिक्षार्थियों, अधिगम केंद्रित उपागम, ये जो उपागम है, ये सभी उपागम शिक्षार्थी को केंद्र में रखकर अधिगम को समझने का अवसर देते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण उपागम हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। समस्या आधारित अधिगम उपागम, परियोजना आधारित अधिगम उपागम, संरचनावादी अधिगम उपागम, सहकारी अधिगम उपागम, सहयोगी अधिगम उपागम, ये सारे जो अधिगम उपागम हैं ये अधिगम केंद्रित उपागम माने जा सकते हैं, क्योंकि ये सभी उपागम शिक्षार्थी को केंद्र में रखकर बात करते हैं। शिक्षार्थियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा था, और यह जो सिद्धांत हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह गणित विषय के रूप, गणित विषय जो हमारा है उस विषय में जो तमाम तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उससे कहीं ना कहीं हमको बचा सकता है। पहला सिद्धांत था ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। दूसरा सिद्धांत था पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना। तीसरा सिद्धांत था पाठ्यचर्या का संवर्धन, ताकि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। चौथा सिद्धांत था परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। और पांचवा सिद्धांत था एक ऐसी अद्भावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएँ समाहित हों। यह जो सिद्धांत हैं यह गणित के विषय में विशेष करके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शिक्षार्थियों, आकलन में उद्गमित कुछ प्रचलन हैं, जैसे स्व आकलन। स्व आकलन में बच्चा खुद छानबीन करता है, तुलना करता है, स्व विश्लेषण करता है, प्रतिबिंबन करता है। इसके अलावा समूह आकलन की भी हम बात करते हैं। समूह आकलन में सहभागिता करता है बच्चा, विमर्श करता है बच्चा, नेतृत्व करता है, स्व सुधार करता है इत्यादि। अतः समूह आकलन में कई तरह के जो हमारे गुण हैं वह गुण भी ग्रहण करता है कहीं ना कहीं। इसके अलावा जो प्रदत्त कार्य हैं उस कार्य से भी आकलन किया जा सकता है, और इसको करने के दौरान हम ये देख सकते हैं जो दत्त कार्य उसको दिया गया है उसमें अवधारणा की समझ क्या है उसकी, उसके प्रस्तुतिकरण का तरीका क्या है, वह तर्कपूर्ण है या नहीं, स्वयं की भाषा का उपयोग है या नहीं, सुस्पष्ट सूत्रों का इस्तेमाल किया गया है या नहीं, उचित गणितीय संकेतों का प्रयोग कर पाया है या नहीं, उत्तर की लंबाई क्या है, और उस पूरे कार्य में पूर्व अनुभवों से संबंध क्या है। इस तरह से स्व आकलन, दत्त कार्य से आकलन, समूह आकलन, और इसके अलावा विभिन्न क्रियाकलापों में उसकी सहभागिता क्या है, उस सहभागिता में उस बच्चे का, उस छात्र का की भूमिका क्या है, किस तरह से वह क्रियाकलापों में अपना पार्टिसिपेशन, अपनी सहभागिता कर रहा है, और इसके अलावा सतत और व्यापक आकलन, ये सारे अधिगम केंद्रित प्रणाली के आकलन में महत्वपूर्ण हैं। शिक्षार्थियों, उपरोक्त वर्णित जो उपागम हैं और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के जो निर्देशक सिद्धांत हैं उसके दृष्टिगत आकलन अपेक्षित है। चूंकि आकलन का स्वरूप रचनात्मक है तथा उचित प्रतिपुष्टि के द्वारा इसमें सुधार के लिए अवसर हैं, और यह उत्पाद आधारित न होकर प्रक्रिया पर आधारित होता है, तथा साथ ही साथ इसमें चिंतन और छात्र के साथ परिचर्चा भी सम्मिलित होने से प्रत्येक परिस्थिति के संदर्भ में छात्र का समुचित आकलन किया जाना चाहिए। आशा करता हूँ चर्चा आपके लिए सार्थक रही होगी। धन्यवाद।